बड़ी खबर, इमरान खान की रैली में फायरिंग हुई है पाकिस्तान से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से ये बड़ी खबर, इमरान खान के कंटेनर के पास फायरिंग हुई है। इमरान खान की पार्टी पिछले कई दिनों से लॉन्ग मार्च निकाल रही है, जिसको लेकर लगातार वो सरकार के निशाने पर है। इसको लेकर पाकिस्तान के पीएम सवाल भी उठाते रहे हैं। इन सबके बीच ये बड़ी खबर आई है, इमरान खान की रैली में फायरिंग हुई है, इमरान खान के कंटेनर के पास से ही फायरिंग की खबर। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से फायरिंग के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। पिछले कई दिनों से इमरान खान की ओर से लंबा लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है। आयोग ठहराए जाने के बाद इमरान खान ने इस मार्च को निकालने का ऐलान किया था और ये मार्च निकाला जा रहा है पाकिस्तान से। इस वक्त की बड़ी खबर आई है, इमरान खान के कंटेनर के पास फायरिंग की खबर है। तस्वीरें देखिए लॉन्ग मार्च, जहां पर इमरान खान के तमाम समर्थक सड़कों पर उतरे हुए थे, इमरान खान के साथ वो मार्च कर रहे थे। हालांकि देखिए आपको पुलिस की गाड़ियां भी यहां पर नजर आ रही होगी। पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान के कंटेनर के पास फायरिंग की गई। हालांकि ये फायरिंग किसने की है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। एहतियातन इलाके में सुरक्षा देखिए यहाँ पर किस तरह से और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। भीड़ तितर बितर करते हुए भी यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अपने हजारों समर्थकों के साथ इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च था, जिसमें आपको बता दें कि इमरान खान के कंटेनर के पास ही फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से। आयोग ठहराए जाने के बाद इमरान खान लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो लॉन्ग मार्च अपने तमाम समर्थकों के साथ निकालेंगे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च निकाला, पिछले कई दिनों से ये मार्च चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज फंसे भी थे। इसको लेकर उन्होंने इमरान खान पर निशाना भी साधा था, उन्हें चोर तक कह दिया था। और देखिए अब आज ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इमरान खान के कंटेनर के पास फायरिंग हुई है। हालांकि फायरिंग के पीछे की वजह क्या है, किसने फायरिंग की है, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त जो आपके सामने देखिए, ये कंटेनर और ठीक उसी के पास फायरिंग की गई है। अब फायरिंग निशाना किसे बनाकर की गई है ये भी अभी तक साफ नहीं है। क्या ये फायरिंग इमरान खान को निशाना बनाकर की गई है, अभी ये जांच का विषय। देखिए जो तमाम समर्थक हैं इमरान खान के, वो कंटेनर के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है इमरान खान का लॉन्ग मार्च जब निकल रहा था, अचानक उनके कंटेनर के पास फायरिंग हुई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इमरान खान को टारगेट करके ये फायरिंग की गई है या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है। सड़कों पर देखिए आपको तमाम लोग नजर आ रहे होंगे, गाड़ियों में, गाड़ी के भीतर जो लोग बैठे ही हैं, गाड़ी के ऊपर भी लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इस लॉन्ग मार्च का ये पार्ट है तमाम गाड़ियां जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है, दरअसल ये इमरान खान का कंटेनर है, इसी से इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इसी में वो सवार रहते हैं। अब खबर ये आई है, इमरान खान की रैली के दौरान फायरिंग हुई है और फायरिंग इमरान खान के कंटेनर के पास ही हुई है। इमरान खान की पार्टी पिछले कई दिनों से लॉन्ग मार्च निकाल रही है गुजरांवाला में। लॉन्ग मार्च के दौरान आज ये फायरिंग की खबर सामने आई है। फायरिंग में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, इमरान खान के कंटेनर के पास जो फायरिंग हुई है, कहा यह जा रहा है कि उसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। लॉन्ग मार्च अपने तमाम समर्थकों के साथ इमरान खान निकाल रहे हैं गुजरांवाला में। लॉन्ग मार्च के दौरान ये फायरिंग हुई है, फायरिंग में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।